नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा हाल ही में 3 भर्तियों के जो फाइनल रिजल्ट है जारी कर दिए गए हैं। और अगर आप इन तीनों भर्तियों के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो HSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको रिजल्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और इसमें जो आपके ये सभी रिजल्ट जारी हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 14/19 है, और पोस्ट है फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मशान, और उसके बाद है वेल्डर और सुपरवाइज़र। तो ये 3 भर्तियों के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। पहले जब हम यहाँ पर मशान वाला जो रिजल्ट आया है इसको देख लेते हैं, और ये रिजल्ट आपका यहाँ पर आ चुका है, ये फाइनल रिजल्ट है। आप देख सकते हैं इरिगेशन वाटर रिसोर्स हरियाणा एडवर्टाइजमेंट इतनी, और ये रिटर्न एग्जाम सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, तो इन सभी को मिलाकर जो यहाँ पर HSC के द्वारा जो फाइनल रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 पोस्ट थी और जनरल की है 7 पोस्ट, कट ऑफ रहेगी 40 पर। और कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 6 पोस्ट ऑफ जनरल, 3 पोस्ट SC, 2 पोस्ट PCA, 2 पोस्ट BCB और 2 पोस्ट EWS और 2 पोस्ट ESM जनरल और 1 पोस्ट ESM BCA कैटेगरी रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। तो इनके लिए जो कैंडिडेट नहीं मिला है तो इसी कारण से पोस्ट जो वैकेंट रह गई है। अब आप ये देख सकते हैं 19 पोस्ट थी और 19 में से भी जो ये खाली रह गई हैं, केवल 7 ही पोस्ट भरी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कंपटीशन, और ये रिटर्न एग्ज़ाम 90 का था और 10 नंबर साइको इकोनॉमिक्स के, टोटल हो जाते हैं 100। और नो गवर्नमेंट जॉब जो है जो भी कुछ है यहाँ पर, ये अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर फेंक पाया जाता है तो उसका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसे आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर पहला जो रिजल्ट है ये जारी हुआ है। अब हम यहाँ पर दूसरा जो हमारा रिजल्ट है वेल्डर वाला, इसको भी देख लेते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पर दूसरा जो रिजल्ट है, और यहाँ पर भी वैसे ही जो रिटर्न एग्जाम स्क्रूटिन डॉक्यूमेंट साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, तो इन सभी को मिलाकर जो HSC के द्वारा फाइनल रिजल्ट ये जारी कर दिए गए हैं। और रिजल्ट हैज़ बीन शो कैटेगरी वाइज एंड रोल नंबर वाइज एंड मार्क्स स्कोर बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन कैटेगरी हैज़ बीन शो इन द ब्रैकेट। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कैटेगरी 19 है, वेल्डर 5 पोस्ट थी, जनरल की यहाँ पर 3 है, कट ऑफ रहेगी 64 पर। उसके बाद इनकी वेटिंग है 59 पर, SC की 1 वेटिंग रहेगी 53 पर, SC वेटिंग वाले इनकी 52 पर, EWS की 1 59 पर और EWS की वेटिंग 48 पर। तो इस प्रकार से जो ये आपका रिजल्ट है, तो बहुत समय से जो ये रिजल्ट रह रहे थे, तो HSC जो अब बारी बारी से जितने भी रिजल्ट रह रहे हैं उनको जारी कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा रिजल्ट है। अब जो हम यहाँ पर सुपरवाइज़र वाला जो रिजल्ट है इसको भी देख लेते हैं, और ये आपका तीसरा रिजल्ट है यहाँ पर सुपरवाइज़र वाला, और इसमें भी देख सकते हैं 18 पोस्ट थी, जनरल की 7 पोस्ट है, यहाँ पर कट ऑफ रहेगी 58 पर। उसके बाद जनरल वेटिंग इनकी रहेगी 48 पर, SC की 3 है, इनकी रहेगी 41 पर, BCA की 2 पोस्ट है, इनकी गई है 50 पर, और BCA वेटिंग वालों की है 27 पर। उसके बाद BCB की है 51 और EWS की 2 पोस्ट इनकी गई है 49 पर। उसके बाद ESM जनरल वाले 2 पोस्ट है और इनकी रहेगी 52 पर। और यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 2 पोस्ट ऑफ SC कैटेगरी रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी एलिजिबल कैंडिडेट, तो 2 पोस्ट इनमें से भी खाली रह गई है क्योंकि इनके लिए जो है SC का कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। तो ये जो हाल ही में 3 रिजल्ट जारी हुए हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।